कश्मीर पर उमर अब्दुल्ला ने फिर दिया बयान, कहा चाहे 70 हफ्ते लगे या 70 महीने, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, अनुच्छेद 370 और 35 की बहाली करवा कर ही दम लेंगे। पीएम मोदी ने की अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा, अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट भी पढ़ा। मीटिंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। दो दिन के दौरे पर कल लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलएसी पर लेंगे सेना की तैयारियों का जायजा। वहीं कोरोना को लेकर सरकार ने जारी किया आंकड़ा, अभी तक राज्यों को 33 करोड़ 17 लाख वैक्सीन भेजी। चीन के हैनान प्रांत में मार्शल आर्ट स्कूल में आग से 18 लोगों की मौत, 16 अन्य घायल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी से मिले जो बाइडेन, सैनिकों की वापसी के बाद भी अफगानिस्तान को राजनीतिक और आर्थिक मदद देगा अमेरिका। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, एफएटीएफ की बैठक में लिया गया अहम फैसला, ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। महेंद्र सिंह धोनी ने की देशवासियों से पेड़ लगाने की अपील, चेन्नई सुपर किंग्स के ट्विटर हैंडल से शेयर की फोटो। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध होने वाले T20 मैच के लिए वेस्ट इंडीज ने किया टीम का ऐलान, आंद्रे रसेल की हुई वापसी। और बंदिश बैंडिट्स के डायरेक्टर आनंद तिवारी ने अंगीरा धार के साथ लिए सात फेरे, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें।